हाँ जी, क्लास 10th, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इक्यूलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इक्यूलेटरल ट्राइंगल है, यदि डायग्राम नहीं हैगी तो मैं नाल नाल ड्रॉ कर दी हूँ। इक्यूलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। डी इज पॉइंट ऑन बी सी, डी बी सी के उपर एक पॉइंट है, सच दैट बी डी इक्वल 1/3 BC। इतने पर एक पॉइंट मार्क कर लिए डी। इक्वल 1/3 BC, प्रूव दैट 9AD² इक्वल 7AB² ये आप कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो हमने जोड़ा बी डी पॉइंट आ भी इदा लिख लेना, बी डी इक्वल 1/3 BC। ये बी डी है जोड़ा, बी सी का 1/3 है। तो ये कंस्ट्रक्शन की करनी है, इतने आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो इतने ई पॉइंट मार्क कर लेना परपेंडिकुलर इक्यूलेटरल ट्राइंगल। देखो आप एक पिछे क्वेश्चन किया है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਕਿਊਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। इक्यूलेटरल है इसलिए मैं सीधी साइड इक्वल लिखती हूँ, ठीक है। पॉइंट डी ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल 1/3 BC। पंजाबी मीडियम लिख लो, त्रिकोण ए बी सी विच ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, बिंदु डी भुजा बी सी उपर इस तरह है, के बी डी इक्वल 1/3 BC। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्वेश्चन के लिखे ही हुए 9AD² इक्वल 7AB², ठीक है जी। तो पंजाबी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम गिवन, तो टू प्रूफ, टू प्रूफ सेम दोनों का, टू प्रूफ तो सेम ही होना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के विचों देख के लिख सकते हो। हुण आपां इहदे च जिहड़ी कंस्ट्रक्शन की है वह लिखांगे। देखो हुण क्वेश्चन देखने लगता भी 9AD किवें आएगा तो ए बी किवें आ जाएगा 7, है ना। हुण आपां देखदे इहनूं सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आते होंगे नहीं है पेपर च, 14-15 ना बहुत रेयर चांस होंगे इन्हां दे आउण दे। कंस्ट्रक्शन draw AE perpendicular BC, AE perpendicular BC खिंचो। प्रूफ, हुण प्रूफ दे विच सब तो पहला आपां की करना, आपां मन लेना भी जिहड़ी इक्यूलेटरल ट्राइंगल है ए वाली ए बी सी, ठीक है। यदि आपां ईच साइड ए लट कर लेनी है, तो ये जिहड़ा ए ई परपेंडिकुलर है ये लिख लेना, ठीक है। ये नाल तुसीं रफ इधर ड्रॉ कर लेनी है जिवें मैं कीती है, ये कुछ नहीं समय लगना नहीं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी
लेट ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इक्वल ए, ठीक है। तो ए ई परपेंडिकुलर पहले ही है, ए ई परपेंडिकुलर बी सी, सो बी ई इक्वल ए ओवर टू। तो तुहानू मैं पहले वो वाले क्वेश्चन भी दस्या सी, जो भी आपां इक्विलेटरल ट्राइंगल दे विच एनी वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड दैन ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट टू एट पॉइंट इंटरसैक्ट, जेडे पॉइंट इंटरसैक्ट करती है तो उत्ते वह बाइसैक्ट होंगी है, ठीक है। इत्थे लिख दिंदे आ ई परपेंडिकुलर बी सी बाइसैक्ट टू बी सी एट पॉइंट ई, ठीक है जी। फिर सुन लो, ये तो डायग्राम बननी बननी है, जो ये सॉल्व करना तो नाल तुसी ए भी बना लेनी है। हुण आपां की करना, जिहड़ी ये ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए ई बी, इहदे च पाइथागोरस चाहे इहदे चल लो चाहे इहदे चल लो सेम आऊगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस लाने हैं। ए बी स्केयर, ए बी स्केयर हाइपोटन्यूज हो गया, इक्वल ए ई स्केयर, ये हो गया ई ए स्केयर प्लस बी ई स्केयर। इन्हें जगह पर ना आज जी ए लट की ने पुट करा, ए बी की वैल्यू ए ए स्केयर इक्वल ए ई स्केयर प्लस इतने बी ई होना, बी ई स्केयर तो ए आजगा ए ओवर टू। हम आप करिए सॉल्व, ए स्केयर इक्वल ए ई स्केयर प्लस ए स्केयर अपॉन फोर, इत फोर, ठीक है। तो यू समझ लग गया होना क्योंकि जोड़ा अपना सिक्स क्वेश्चन है वो सेम इदा ही है ना, वो टू ए लिखे ए स्केयर माइनस ये जरा ए स्केयर अपॉन फोर है उन्होंने इधर लेवे ये अपॉन ला लेंगे पॉन इक्वल ए ई स्केयर फोर आजगा एलसीएम फोर ए स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल ए ई स्केयर तो आजगा थ्री ए स्केयर अपॉन फोर इक्वल ए ई स्केयर, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन के बीच है जोड़ा ना वो अपना ए बी आ ए बी बी सी ए सी इक्वल ने ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी इक्वल ए। सो आप की करना ए दी जगह पर ए बी पुट कर लेना, ए पुट इन इदा ही राउंड कर लेना भी आप पुट किया थ्री ए बी स्केयर अपॉन फोर ए ई स्केयर, ठीक है। अच्छा हाँ, इनू कोई वन पॉइंट मार्क नहीं करना, तो अपनी वैल्यू बन गई ए ई स्केयर इक्वल थ्री पॉइंट फोर ए बी स्केयर, इनू वन मार्क करना, ठीक है। वो वाला वन कट देना हुण की करना, इस तो अगे हुण मैं इत्थे दोबारा डायग्राम बनाऊंगी, तुसी नहीं दोबारा बनानी, तुसी पहले बनाई हुई है ये तुसी बनाई रखनी है। ठीक है, हुण आपां की करना जिहड़ी ए वाली ट्राइंगल है, ठीक है, तो इहदे च आपां ने पाइथागोरस अप्लाई करना क्योंकि इत्थे राइट एंगल है। इन ट्राइंगल ए ई डी ई इक्वल 90 डिग्री, तो आप ये पाइथागोरस ला दिए, पाइथागोरस मैं इतनी लिख दिनी हाँ ए डी स्केयर इक्वल ए ई स्केयर प्लस डी ई स्केयर, ठीक है जी। हुण आपां वन तो इतने वैल्यू पुट कर देने वाली
फ्रॉम वन पुट वैल्यू ए ई स्केयर इक्वल 3/4 ए बी स्केयर ए डी स्केयर इक्वल 3/4 ए बी स्केयर प्लस डी ई स्केयर। हुण इत्थों तक तां सीगा इह सिंपल क्वेश्चन, हुण थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेट हैगा, बट जे तुसीं उहनूं ध्यान नाल समझोगे तां तुहानूं समझ लग जूगा। ठीक है, तां इहनूं आपां इत्थे 2 पॉइंट मार्क कर लैंदे हां। हुण की करना तुसीं, अपने कोल इत्थे ए बी आ गया, इत्थे ए डी आ गया, इत्थे डी ई आ, इत्थे डी ई नहीं होना चाहिए, इत्थे भी अपना ए बी होना चाहिए। ठीक है, हुण आपां नूं इह तां पता है कि जिहड़ियां साइड ने ए बी बी सी ए सी ए, हाँ जी, इत्थे आपां की करना जिहड़ा अपना डी ई है इहदी वैल्यू बना लैणी है। डी ई इक्वल डी ई इत्थे आ बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। हुण क्वेश्चन दे विच की आ, एक तो क्वेश्चन दे विच दित्ता होया है बी डी इक्वल 1/3 बी सी। ठीक है, हुण एक मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा ई है यह बाइसैक्ट करदा, तां इट मीनस बी ई है जिहड़ी ओह होगी 1/2 बी सी। ठीक है, हुण आपां इत्थे पुट इह तुसीं इत्थे लिख लैणा, नहीं पता लगता तो मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ बी डी इक्वल 1/3 बी सी गिवन। ठीक है, बी ई इक्वल 1/2 बी सी। हुण मैं रीज़न भी लिख दिंदी हाँ भी क्यों है, एक क्वेश्चन ए डायग्राम के नीचे भी लिख लेना बी सी, क्योंकि ए ई बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बी सी एट पॉइंट ई, क्योंकि ए ई बी सी नू बिंदु ई ते समद्विभाजित करता है। हुण आपां इही वैल्यू इत्थे पुट करनी ने। ठीक है, डी ई इक्वल बी ई दी वैल्यू 1/2 बी सी माइनस बी डी दी वैल्यू 1/3 बी सी। आ समय लग गया स्टेप, डी ई नूं आपां ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो इहनूं आपां लिख लिया डी ई इक्वल 1/2 बी सी, इहनूं भी लिख लिया, वैल्यू पुट कर ली। तो हम एलसीएम ले लें, इतने 3 ते 2 का एलसीएम आ जूगा 6। तो इतने मैं पॉइंट मार्क किया 1, इन तुसी पॉइंट मार्क कर लेना 1। 6 नू 2 ते डिवाइड करांगे 3 बी सी, 6 नू 3 ते डिवाइड करांगे 2 बी सी, तो डी ई दी वैल्यू बन गई 1/6 बी सी। ठीक है जी, हुण ये जिहड़ी वैल्यू आपां 1 च पुट करनी है, पुट वैल्यू इन 1। हुण इत्थे आपां पुट करिए 1 दे विच, ये 1 मैं लिख लिया, हुण पुट करदे हां इत्थे ए डी स्केयर इक्वल 3/4 ए बी स्केयर प्लस 1/6 बी सी होल स्केयर लाना, स्केयर ब्रैकेट तो बाहर लाना, ये 1 सीगा, 1 दे विच वैल्यू पुट करती। ए डी स्केयर इक्वल 3/4 ए बी स्केयर प्लस 1/6 = 36 बी सी स्केयर। हुण देखो इत्थे ए बी है, इत्थे बी सी आ। ठीक है, तो ए बी ए सी बी सी इक्वल साइड ने तो आप बी सी
ए बी इक्वल बी सी, ए डी स्केयर इक्वल 3.4 ए बी स्केयर प्लस 1.36 ए बी स्केयर। ठीक है, ये अपना बी सी जगह पर ए बी ला लेना। इन चाहे तुम इदा भी लिख सकते हो ए बी इक्वल बी, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल ने तो इतने जी मर्जी ला सकते हो, जी मर्जी कि लानी है अपने ए बी स्केयर। हूँ यदा एलसीएम कर लें, 36 एलसीएम आजगा, 36 नूं 4 ते डिवाइड करांगे, 993 दा 27, 36 नूं 36 से डिवाइड करांगे 1, 27 ते 1 ए बी दा प्लस कर दिंदे आ, 27 ते 1 दा प्लस कीता 28 ओवर 36 ए बी स्केयर। हुण इह कटिंग हो जूगा 4 दे टेबल ते, 4 7 दा 4 9 दा, हुण इह जिहड़ा 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाणा, लेंथी क्वेश्चन है ना।